मसीह यीशु के बाबरकत कादर और कवि नाम है पास्टर मकसूद गिल की तरफ से मुकद्दस महफल और उसके तमाम मेंबरान को ग्रेस बाइबल फेलोशिप मिनिस्ट्री और उसके तमाम कलीसियाओं को तमाम पास्टरों को तमाम मेंबरान को आज सुबह का सलाम कबूल हो। मेरे जीजो आज का अनवान है कि यीशु हलीम है, यीशु पाकीज़ा है, हलीम है। तो आइए मैं खुदा के ज़िंदगी बख्श कलाम में से चंद आयात पढूंगा। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 8 बाब उसकी पहली 4 आयात पढूंगा। खुदा के कलाम में यूं लिखा है, जब वो उसे पहाड़ से उतरा तो बहुत सी भीड़ उसके पीछे हो ली और देखो एक कुड़ी ने आकर उसे सजदा किया और कहा, आए खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ, तू पाक साफ हो जा। वो फौरन कोढ़ से पाक साफ हो गया। यीशु ने उससे कहा, खबरदार, किसी से ना कहना, बल्कि जाकर अपने ताएं काहिन को दिखा और जो नज़र मूसा ने मुकरर की है उसे गुजरान, ताकि उनके लिए गवाही हो। खुदा के मुकद्दस पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत हो। मेरे अजीजो, खुदावंद यीशु मसीह ने दुनिया में ज़मीनी मिशन में अपने सारे काम पूरे किए और ज़मीन पर रहकर उसने साहिब इख्तियार की तरह कलाम सुनाया, खुदा की खुशखबरी की मुनादी की। और जहाँ वो साहिब इख्तियार की तरह कलाम सुनाता था वो बड़ा हलीम, इंकसार और पकीज़ा भी था। तो आइए उसकी ज़िंदगी को चंद अल्फाज में मैं बयान करना चाहता हूँ। उसने बड़े बड़े दावे भी किए और उसने जो किया वो कोई दूसरा नहीं कर सकता। यीशु मसीह की पाकीज़ा ज़िंदगी तमाम दुनिया के लिए लसानी नमूने की हैसियत रखती है, जिसकी ज़िंदगी के साथ किसी शख्स का मुकाबला नहीं किया जा सकता। जहां वो बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है, वहां वो हलीम, इंसार और पस्त इस हद तक कि उस्ताद होते हुए अपने शागिर्दों के पांव धोए, जिसकी मिसाल दुनिया की तारीख में कहीं भी नहीं मिलती। उसकी ज़िंदगी लालच, गुना और नफ़रत से मबर्रा थी, बल्कि उसकी ज़िंदगी मोहब्बत, सच्चाई और हलीम का पैकर थी। यीशु बारूब शख्सियत का मालिक था, जो साहिब इख्तियार की तरह
बगैर तरफदारी किए सच्चाई से खुदा की राह की तलीम देता था। मरकस 12:14 उसकी गुफ्तार में वो हलीमी और फरूतनी थी कि रोज़ाना हज़ारों लोग उसका कलाम सुनने के लिए खींचे चले आते थे और भीड़ का ये आलम होता था कि उसे कई बार कश्ती में खड़े होकर पैगाम देना पड़ता कि कहीं लोग उसे दबा ना डालें। यीशु ने अपनी जिंदगी बड़ी सादगी के साथ गुजारी। जितनी देर में भी वो दुनिया में रहा सादगी से जिंदगी गुजारी। उसका अपना कोई घर नहीं था। अगर मत्ती 8:20 में देखे तो वहां जिक्र है उसका अपना कोई घर ना था। उसने आम मगर रासबाज खानदान के साथ नासरत में खामोशी के साथ जिंदगी बसर की। इसके बावजूद वो आज भी दुनिया तारीख की मेहमान हस्ती है जो लोगों पर तरस खाता है और उनकी बीमारियों को अच्छा करता है, क्योंकि वो हलीम और दिल का फरोतन है, ताकि उस मसीहा के वसीला से दुखी इंसान की जाने आराम पाए। और आज भी यीशु मसीह के नाम से, उसके कलाम से लोग शिफा पाते हैं। अब देखें कि उस कोड़ी ने आकर उसे सजदा किया। वो कोड़ी को पता था कि ये शिफा देता है, तो उसने कहा कि मैं चाहता हूँ। तो उसने जब अर्ज की, कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मैं पाक साफ हो सकता। उसे पता था कि यीशु मसीह शिफा का मंबा है, और यीशु ने कहा कि ठीक है, मैं चाहता हूँ पाक साफ। यीशु मसीह तो कुल इंसानियत को ये दावत देता है, वो चाहता है कि कोई इंसान भी हलाकत की मौत ना मरे। और उसने फरमाया, जो कि मुझ पर ईमान लाए वो हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। अब यीशु मसीह की जिंदगी पर गौर करें कि यीशु ने अपनी खिदमत का आगाज गलील के इबादत खानों से किया, जहां उसने लोगों को साहब इख्तियार की तरह तलीम दी, बादशाही की खुशखबरी की बना दी के दौरान उनकी तरह तरह की बीमारियां ठीक थी, जिसके बायस उसकी शोहरत तमाम इर्द गिर्द के इलाकों में फैल गई। यीशु साहब इख्तियार होने के साथ साथ अजीम उस्ताद, शोरा आफाक तबीब था। हम देखते हैं, कलाम पढ़ते हैं कि कोई ऐसी बीमारी या कोई ऐसा दुख नहीं जिससे यीशु शफा ना दे सके। वाकई वो कुल आलम में वो तबीब है, उस्ताद है,
खुदावंद है। और जब वो दुनिया में था तो ये जो कोढ़ी को पाक साफ किया, उस वक्त कोढ़ का इलाज ना था, और यीशु मसीह ने उसे छुआ और उसे कोढ़ से पाक साफ कर दिया। और उसने कहा कि जा अपने ताई काहिन को दिखा, क्योंकि काहिन जो होते थे उस वक्त वो डिक्लेयर करते थे कि आया ये कोढ़ ख़त्म हो गया है या नहीं हुआ। इसलिए यीशु ने कहा कि उन्हें जाके दिखा। सो मेरे अच्छी यीशु मसीह हलीम था, आसमान और जमीन का इख्तियार खुदा ने उसे दिया। उसकी जिस्मानी और रूहानी फितरत, उसकी लासानी शख्सियत की अक्कासी करती है, जिसने वक्त की कैदोबंद से आज़ाद होकर लसानी दावे किए। मैं इससे पहले उसके 7 लसानी वादे बता चुका हूँ, जो यीशु ने 7 लसानी दावे किए और वो साहिब इख्तियार की तरह उसका कलाम पढ़े। उसमें लिखा है कि लश्कर जो होते थे, बदरुएं जो होती थी, वो उसके नाम से कांपती और उसे सजदा करती कि तू हमें अजाब में डाल रहा है, अभी हमारा वक्त नहीं है, जब हमने अजाब में जाना तो फिर तो जाना ही है, तो हम पर रहम कर, हमें इधर ही रहने दे। ये मरकज 5 में एक आदमी जो अपने ताई जख्मी करता था, तो वो यीशु को देखकर उसके सामने झुका, सजदा किया, उसने कहा कि मुझे इस इलाके से स्नान कर, मुझे उस सूरों में भेज दे। तो ऐसा हुआ। अगर आप मरकज 5 पढ़ें तो वहाँ ये पूरी तफसील लिखी है। उसके ये जो 7 लसानी दावे हैं जो उसकी शख्सियत और मौजात की अक्कासी करते हैं, यीशु मसीह के दावे मैं हूँ बड़े ताकतवर, लाजवाब और गैर मामूली थे। अंधे देखते, गूंगे बोलते, बहरे सुनते, लंगड़े चलते, मुर्दों को उसने जिंदा किया, पानी को मै में तब्दील कर दिया, और उसके कहने से तूफान थम जाते। और फिर सबसे बड़ी बात है कि वो पानी पे चलकर अपने शिगर्दों के पास गया। है कोई ऐसी हस्ती, है कोई ऐसा बंदा जो पानी पे चले? मेरे अजीजों, यीशु मसीह की एक एक बात लसानी है, कोई दूसरा उसका मुकाबला नहीं कर सकता। खुदावंद आपको आज इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे और आप खुश रहें और यीशु पर ईमान लाएं। ये नहीं कि आप सिर्फ ये मसीहियों के लिए है, नहीं नहीं, उसने कुल नस्ल इंसानी के लिए अपने आप को कुर्बान किया। और उसने ये दावा किया, उसने कहा कि जो कोई, अब जो कोई में कुल कायनात आती है, जो कोई मुझ पर ईमान लाए हलाक न हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पर, जिंदगी उसके पास है, आइए उस पर ईमान ला कर हम जिंदगी हासिल करें। और वो जो हलीम फरोतन इंसार है, उसके आके झुके, उसे सजदा करें और उससे मांगे। आइए मैं आपके लिए चंद लफाज दुआ करना चाहता हूँ।
आसमान और ज़मीन के बनाने वाले कुल कायनात के खालिक और मालिक मसीह यीशु में मेरे आसमानी बाप बड़ी आजिज़ी इनकसारी से तेरे कदमों में सजदा रेज़ हूँ। दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करता हूँ। तेरी दी हुई नेमतों बरकतों बख्शों के लिए, ज़िंदगी तंदुरुस्ती के लिए, खुदावंद आज की इस सुबह के लिए। आज का दिन हमारे लिए कामयाबी का दिन हो, आज का दिन हमारे लिए शादमानी का दिन हो, आज का दिन हमारे लिए फतहयाबी का दिन हो। आज सारा दिन की नेम से बरकते हमें अता कर और मैं अपनी पनाह में रख। खुदावंदा मैं मिन्नत करता हूँ, तेरे आगे सजदा रेज़ हूँ। जिन लोगों में जो बदरू गिरफ्तार है, जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास कारोबार नहीं है, खुदावंद उनकी बड़ी मदद कर, उनके साथ हो। खुदावंद खुदा मेरी मिन्नत को सुन, जहाँ जहाँ मेरी आवाज़ पहुँचे, जो जो इस कलाम को दुआ को सुने, खुदावंद उन्हें नेम तो बरकतों से मालामाल कर। मेरी मिन्नत को सुन, मेरी दुआ को सुन। खुदा बाप मैं ये दुआ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांग लेता हूँ, सुन और कबूल कर। आमीन आमीन।